हेलो दोस्तों, मैं हूं सूर्यकांत, आपका उद्यान मित्र एंडेस नेचरिस मेरे यूट्यूब चैनल में। मैं आप सभी दोस्तों का फिर से स्वागत करता हूं। इस वीडियो में आज हम लगभग साल भर फ्लावरिंग करने वाला और साथ में बहुत से औषधीय गुणों वाला पौधा जिसे गल्फीमिया कहते हैं उसके बारे में कुछ नई बातें जानने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, हमारी प्लांट गैलरी में एक सिंगल पॉट प्लांट के रूप में और हमारे आउटडोर गार्डन में या फिर पब्लिक पार्कों में भी बॉर्डर्स या हेजेस के रूप में हम इस एवरग्रीन गल्फीमिया के पौधे को बहुत ही लो मेंटेनेंस के साथ एक परमानेंट पौधे के रूप में ग्रो कर सकते हैं। इस पौधे का वैज्ञानिक नाम गल्फीमिया ग्लाउका है और मालपीगियासी परिवार में इनकी लगभग 26 अलग अलग प्रजातियां पाई जाती है, जिसमें से लगभग 22 प्रजातियां इनके नेटिव लैंड मेक्सिको में ही पाई जाती है। मूल रूप से यह पौधे सेंट्रल अमरीका के मूल निवासी है, जिसमें मेक्सिको ग्वाटेमाला का भौगोलिक प्रदेश आता है। वहाँ के प्राकृतिक वातावरण में यह पौधे देवदार वृक्षों के जंगलों में, घास के मैदानों में, चट्टानों के ढलानों के बीच और सड़कों के किनारे प्राकृतिक रूप में बढ़ते पाए जाते हैं और समुद्र तल से लगभग 700 से 2300 मीटर की ऊंचाई पर यह पौधे प्राकृतिक रूप में बढ़ते हैं। प्रादेशिक वितरण प्रणाली अनुसार इस पौधे को गोल्डन शावर्स, सुनहरी ओस की बूंदे, रेन ऑफ गोल्ड, शावर ऑफ गोल्ड, थ्रियालिस ऐसे सामान्य नामों से जाना पहचाना जाता है। दोस्तों, हमारी प्लांट गैलरी में बहुत ही लो मेंटेनेंस के साथ और काफ़ी पॉपुलरली ग्रो किए जाने वाले यह गल्फीमिया के पौधे हैं। दोस्तों, ऐसे देखा जाए तो यह गल्फीमिया की वैरायटी हमारी प्लांट गैलरी की बहुत ही पुरानी और कॉमन वैरायटी है, जो लगभग साल भर बहुत ही कम देखभाल के साथ हमारे प्लांट गैलरी को इसके छोटे छोटे चमकीले फूलों से साल भर रोशन करता है। इस गल्फीमिया के पौधे पर इस तरह के छोटे छोटे चमकीले पीले कलर्स के मल्टीपल फ्लावर्स कॉन्स्टेंटली लगातार खिलते रहते हैं। इनके फूलों में इस तरह छोटी छोटी पीले कलर की 5 पंखुड़ियाँ होती है, जो सिमिलैरिटी में हमारे रसोई घर के छोटे छोटे चम्मच जैसी दिखाई देती है। यह पंखुड़ियाँ एक दूसरे से एक आदर्श दूरी बनाकर खिलती है। 5 पंखुड़ियों के बीच में लगभग 10 से 15 पुंकेसर होते हैं और छोटी छोटी मल्टीपल कलियों से यह फूल लगातार एक के बाद एक पौधे पर खिलते रहते हैं। पोषण स्थिति अनुसार इन फूलों का डायमीटर लगभग आधे से 1 इंच तक होता है। ज़्यादातर इस गल्फीमिया गुलका के फूलों में कोई भी महसूस करने वाली सुगंध नहीं होती। ज़्यादातर यह फूल ऑर्नामेंटल टाइप में या फिर दिखावटी फूलों के किस्म में आते हैं, लेकिन इनके फ्लावरिंग पीरियड के दौरान यह फूल इनकी ओर तितलियों को आकर्षित करते हैं। वैसे देखा जाए तो यह पौधे हमारे पृथ्वी के गर्म ट्रॉपिकल जोन में लगभग साल भर फ्लावरिंग करते हैं, लेकिन जिस भौगोलिक एरिया में या फिर सब ट्रॉपिकल जोन में जहाँ 3 ऋतु होते हैं, वहाँ सर्दियाँ खत्म होने के बाद वसंत में इनकी फ्लावरिंग शुरू होती है और लगभग सर्दियों की शुरुआत तक, मतलब मिड नवंबर तक इस पौधे पर फ्लावरिंग बनी रहती है, क्योंकि सर्दियों में यह पौधा सुप्तावस्था का या फिर डॉर्मेंसी पीरियड का अनुभव करता है। लेकिन फिर भी इसकी फ्लावरिंग काफ़ी लंबे समय तक चलने के साथ यह पौधा छोटे छोटे पीले कलर्स के फूलों के गुच्छों से भरा रहता है। हेजेस या फिर बॉर्डर्स के रूप में पब्लिक पार्कों में या फिर हमारे गार्डन में भी जब यह पौधे मैसिव फ्लावरिंग करते हैं, तब इस पौधे पर खिलने वाले छोटे छोटे गोल्डन येलो कलर्स के फूल ऐसा नज़ारा क्रिएट करते हैं जैसे कुदरत ने इस पौधे पर सुनहरे बारिश की बौछार की हो। और इसीलिए इस गल्फीमिया पौधे की फ्लावरिंग को सामान्य तौर पर सुनहरी ओस की बूंदे या फिर शावर ऑफ गोल्ड कहा जाता है। दोस्तों, इस गल्फीमिया की पत्तियां पौधे के अनुरूप आकार में छोटी और गर्द घनी गहरे हरे रंग की होती है। आकार में यह लंब गोलाकार शेप में या फिर अंडाकार शेप में पोषण स्थिति अनुसार लगभग 1 से 1.5 इंच लंबी होती है और पत्तियों की ऊपरी सतह पर मुख्य और उपशिराएं स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। फ्लावरिंग पीरियड के दौरान और जब इस पौधे पर कोई फ्लावरिंग नहीं होती उस समय में भी हमेशा एक परमानेंट हरियाली या फिर ग्रीनरी मेंटेन करता रहता है। इसलिए हमारी प्लांट गैलरी में सिंगल पॉट के साथ हेजेस या बॉर्डर्स के रूप में जब इस पौधे को हम ग्रो करते हैं, तब फ्लावरिंग पीरियड के दौरान यह पौधा गोल्डन येलो और ग्रीन कलर का सुंदर कॉम्बिनेशन बनाता है और ऑफ सीजन में भी इसके सुंदर घने पर्ण समूह से एक हरियाली का हमें अनुभव देता है। दोस्तों, इस गल्फीमिया के सनलाइट नीड के बारे में देखा जाए तो यह पौधा पूर्ण सूरज की रोशनी को पसंद करता है। पूर्ण सूरज की रोशनी के नीचे इस पौधे की अच्छी ग्रोथ होने के साथ यह पौधा हेवी फ्लावरिंग प्रोड्यूस करता है। इसलिए इस गल्फीमिया के पौधे को हम हमारी प्लांट गैलरी में
टेरेस पर, बालकनीज में या फिर आउटडोर गार्डन में, जहां भी ग्रो करना चाहते हैं वह लोकेशन सनी लोकेशन होना चाहिए, जहां कम से कम दिन में 3 से 4 घंटे सीधे सूरज की रोशनी आती हो, क्योंकि यह सन लवर कैटेगरी का पौधा होने के कारण इसे हमें ज़्यादा शेडी एरियाज में नहीं ग्रो करना है। इसलिए इस पौधे के साल भर के सनी लोकेशन के लिए पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में ज़्यादातर सब ट्रॉपिकल जोन में हमें हमारे प्लांट गैलरी का साउथ ईस्ट या साउथ वेस्ट लोकेशन चूज करना है, और ठीक इसके विपरीत पृथ्वी के दक्षिण गोलार्ध में भी इस पौधे के लिए हमें नॉर्थ ईस्ट या नॉर्थ वेस्ट लोकेशन चूज करना है, जिससे हम लगभग साल भर इस पौधे पर अच्छे फ्लावरिंग का आनंद ले सकते हैं। इस पौधे की वाटरिंग नीड मीडियम से नॉर्मल कैटेगरी में आती है। हमारी प्लांट गैलरी में पॉट्स या कंटेनरों में लगाए गए पौधों की टॉप सॉइल सूखने के बाद ज़रूरत अनुसार हमें इन पौधों की वाटरिंग करनी है, लेकिन आउटडोर गार्डन में जब एक बार यह पौधे सेट हो जाते हैं तो बहुत कम पानी में भी यह काफ़ी हार्डली सर्वाइव कर सकते हैं, क्योंकि प्राकृतिक वातावरण में यह पौधे पूर्णतः मौसमी बारिश या फिर प्राकृतिक वर्षा जल पर ही निर्भर होते हैं। इसलिए आउटडोर गार्डन में लगाए गए पौधों की पानी की ज़रूरत एक बार सेट होने पर नॉर्मल कैटेगरी में आती है। फर्टिलाइज़र और सॉइल के बारे में देखा जाए तो पॉट्स या कंटेनरों की मिट्टी हमें अच्छी जल निकासी वाली बनानी है, जिसमें पॉटिंग मिक्सचर के समय 1 पार्ट किसी भी ऑर्गेनिक खाद को ऐड कर देना है, और फ्लावरिंग पीरियड के दौरान इन पौधों की जड़ों के पास NPK बेस मेंटेन करने के साथ फॉस्फोरस बेस खुराक इन पौधों को देनी है, जिससे पॉट प्लांट्स के पौधों पर काफ़ी अच्छी फ्लावरिंग आने में मदद होती है। लेकिन आउटडोर गार्डन में लगाए गए यह गल्पीमिया के पौधे ज़मीन में स्थित अवेलेबल न्यूट्रिशन पर ही काफ़ी अच्छी फ्लावरिंग करते हैं और स्वस्थ रहते हैं, क्योंकि प्राकृतिक वातावरण में अवेलेबल न्यूट्रिशन पर ही यह काफ़ी हार्डली सर्वाइव करने वाला पौधा है। हाइट में भी यह पौधे प्राकृतिक वातावरण में 2 से 3 मीटर की ऊंचाई तक झाड़ियों के रूप में बढ़ते हैं। पोषण स्थिति अनुसार यह ऊंचाई कभी कभार इससे भी ज़्यादा हो सकती है, लेकिन हमारी प्लांट गैलरी में एवरेजली 3 से 5 फीट तक इसके बॉर्डर्स बनाए जाते हैं। इसलिए इन पौधों की फ्लावरिंग खत्म होने के बाद प्रूनिंग या कटिंग के माध्यम से हम इनकी ग्रोथ को मनचाहे आकार में मेंटेन रख सकते हैं, और ज़्यादातर इस गल्पीमिया के पौधे पर कोई भी हार्मफुल डिजीज भी नहीं आती। लेकिन एक प्रोसेस या रूटीन के तहत हम देसी गाय के गोमूत्र का या फिर नीम ऑयल का ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड के रूप में इन पौधों पर स्प्रे कर सकते हैं, जिससे नॉर्मल डिजीज की रोकथाम में भी काफ़ी सहायता होती है। दोस्तों, इस गल्पीमिया का प्रोपेगेशन इनके फलों से निकले हुए बीजों से या फिर इनके स्टेम कटिंग से भी हम कर सकते हैं, और मानसून के दौरान इसके बेबी प्लांट्स लोकल नर्सरीज में सेलिंग के लिए आते हैं, जिससे हेल्दी प्लांट्स चूज करके इन पौधों को हम हमारी प्लांट गैलरी में ग्रो कर सकते हैं। दोस्तों, अध्ययन के दौरान इस गल्पीमिया के पौधे में कोई भी हार्मफुल विषाक्तता सामने नहीं आई है, लेकिन उसके बावजूद यह काफ़ी मेडिसिनल प्लांट साबित हुआ है, क्योंकि इस गल्पीमिया के एक मैच्योर पौधे पर या पेड़ पर जो बेरी के जैसे फल लगते हैं, उन फलों में प्रचुर मात्रा में विटामिन सी पाया जाता है। साथ में उल्टी, दस्त, अस्थमा, मलेरिया जैसे रोगों के इलाज में इस पौधे के बॉडी पार्ट्स का कुछ प्रोसेस के अंतर्गत औषधि के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। साथ में मौसमी परागण या फिर धूल या डस्ट से होने वाली एलर्जी, जिससे नाक में खुजली होना, बार बार छींक आना या फिर नाक का बहना, ऐसी बीमारी के इलाज के लिए इस गल्पीमिया के पौधे के अर्क से होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति में ग्लौका 30C नाम की एक होम्योपैथी दवा भी बनाई है। वैसे तो पौराणिक काल से इस गल्पीमिया का उपयोग कई रोगों के इलाज में किया जाता रहा है, और वैसे भी आजकल पूरी दुनिया भर में मानवीय भौतिक विकास के साथ मानसिक असंतुलन, चिंता, अनिद्रा और डिप्रेशन का दौर भी चल रहा है। ऐसे में इस गल्पीमिया प्रजाति के पौधों से कुछ प्रोसेस के अंतर्गत जो मेडिसिन्स बनाई जाती है, वह डिप्रेशन और मानसिक अशांति जैसे विकारों में काफ़ी लाभदायक साबित हो चुकी है। इसलिए जो पौधा हमारे मानसिक संतुलन जैसे डिजीज में इतना लाभकारी हो सकता है, उस पौधे को हमारी प्लांट गैलरी में लगाने पर भी लगभग साल भर खिलने वाले इसके छोटे छोटे चमकीले सुंदर पीले फूलों से बाह्य रूप से भी हमारे मूड को या फिर मानसिक संतुलन को एक फ्रेश अनुभूति दे सकता है। इसलिए मुझे लगता है कि हमारी प्लांट गैलरी में इस गल्पीमिया का कम से कम एक पौधा तो ज़रूर होना चाहिए। अच्छा, तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और पास के बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दें, जिससे आगे आने वाली वीडियोस की नई नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलती रहेंगी। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक नया पौधा और उससे जुड़ी कुछ नई जानकारी के साथ। टिल देन, गुड बाय, ओम साई।